गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मी कुमार एंड वेलकम टू दैट वंस फॉर मेंटी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो प्रीवियस क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था नेचुरल डिजास्टर्स विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे विंड्स स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में, और हमने इसको कवर किया था। एयर इन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड्स के बारे में, मतलब ये कि जो हवा है, विंड मतलब हवा, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी कौन कौन सी चीजें वो फॉलो करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 87, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड्स, व्हेन एयर मूव्स जेंटली इज कॉल्ड अ ब्रीज, जब जो एयर है वो जेंटली, जेंटली मतलब सब है, सब मतलब धीमे धीमे, कोई उत्पाद नहीं करती है, जब वो अच्छे से आराम से बहती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, मतलब झोंका बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एयर मूव्स क्विकली इट्स कॉल्ड विंड, ठीक है, जब वो थोड़ा थोड़ा तेज बहती है, जब आपने देखा होगा कि पेड़ हिलने लगते हैं, आपके बाल भी हिलने लगते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। विंड हैज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विंड के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या, फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकेंड इज स्पीड, मतलब ये कि पहला डायरेक्शन और सेकेंड है वो स्पीड, ठीक है। द डायरेक्शन मतलब किस दिशा में वो बह रही है, हवा किस दिशा में, किस दिशा बह रही है, और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। द instruments used to find out the direction when which the wind is blowing is called a wind vane. जो instrument हम find हवा की direction को find करने के लिए use करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, wind vane बोलते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जो diagram बना हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। हमारे गुना में जो हमारा मौसम विभाग है, उसका जो ऑफिस है कैंट में, वहां पे ये लगा हुआ है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। आपने देखा होगा कि जब आप अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो पास में एक गैल का प्लांट पड़ता है छोटा सा, वहां पे भी एक लगा है, वो एक जो जिसमें एक लंबा सा कपड़ा बना हुआ है गोल गोल सा, ठीक है, वो भी डायरेक्शन फाइंड करता है कि हवा किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑल डिजाइन बेसिकली कंसिडर्ड अपन pointer as a vane fixed to the opposite end of the horizontal rod provided at its center so that is free to rotate either day when the wind blows, मतलब ये कि उसका जो सेंटर होता है वो फ्री होता है रोटेट करने के लिए, फ्री मतलब वो कहीं भी मूव कर सकता है, वो सेंटर पे जो होता है, सेंटर मतलब हम इस वाली सेंटर की बात कर रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं, इस वाली सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो हवा चलती है और इससे टकराती है, ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर मुर्गा टाइप का बैठा हुआ को, तो उससे टकराती है तो वो मूव करता है, और वो जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में वो घूम जाता है। और यहाँ पे लगी होती है क्या डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये सब लगी है, तो उससे हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है द स्पीड ऑफ द विंड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर बिटवीन टू एरियाज, अब जो हवा है उसका जो स्पीड है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, जो एरिया है उसका जो प्रेशर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। व्हेन द डिफरेंस इज हाई द विंड रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, हवा क्यों बहती है पहले इसको समझिए, हवा इसलिए बहती है एक क्षेत्र का जो दबाव है वो और दूसरे क्षेत्र का जो दबाव है, जब वो अलग अलग हो जाता है, उसमें डिफरेंस हो जाता है, तब हवा एक दूसरे से बहती है। मतलब कि दबाव हम कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा दबाव, कौन सा प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। द स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली मेजर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इज अ एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये आप याद रखिएगा, एनीमोमीटर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था विंड वैन,
ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर क्या होते हैं? एयर एक्सपेंड ऑन हीट, जो हीट है, जो एयर है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड करेगी, मतलब दूर भागेगी, ठीक है। और एयर एक्सपर्ट प्रेशर, द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज टू अंडरस्टैंड एज द एक्सपर्ट प्रेशर। अब जो प्रेशर की जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब वो प्रेशर क्या होता है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिविटी है, टेक एन एम्प्टी मेटल कैन विद सम वाटर इन इट, मतलब कोई एक एम्प्टी मेटल की जो लेनी है, कैन लेनी है विद सम वाटर इन इट, मतलब कोई भी आप अपने घर में भगोनी हो सकती है, आपके घर में कोई कटोरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ले सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। व्हेन इट कैन इज ओपन द एटमोस्फियर प्रेशर इज द सेम इनसाइड द आउटसाइड एंड द कैन, मतलब कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो आउटसाइड मतलब कैन के बाहर और उसके अंदर में प्रेशर है वो सेम रहता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब जो वातावरण का प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ हीट कैन अंटिल द वाटर इनसाइड द बॉइल्स एंड स्टीम्स पल्स एंड एयर आउट फ्रॉम द कैन दैट फिल्स इट, मतलब क्या है कि जब आप उसको गर्म करते हैं तो द कैन अंटिल द वाटर इन साइड द बॉयल, जो पानी उबलता है, जो पानी उसके अंदर है, कैन के अंदर, जो बॉयल के अंदर जो पानी है वो उबलेगा और क्या करेगा, द स्टीम प्री पुशेस द एयर आउट विद द कैन दैट फिल इट, और जो स्टीम है, जो भाप है, वो हवा को पुश करेगी बाहर जाने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको एक बताया हुआ है, एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कुकर, आपके घर में कुकर यूज होता होगा, कुकर में जो सीटी लगती है वो इसका रीजन यही होता है कि जब आप उसमें दाल रखते हैं, दाल के साथ में पानी डालते हैं या कुछ और चीज उबलने के लिए रखते हैं, तो वो नीचे से हीट करता है, वो पानी जो है वो बॉयल होता है, जब वाटर बॉयल होता है तो उससे जो हीट होती है, मतलब हीट जनरेट होती है और वो वाष्प बनती है हवा, ठीक है, और वो हवा को जो ढक्कन, जो कुकर की जो सीटी है उसको ऊपर उछालती है, इसके कारण वो सीटी लगती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम एक्सपर्ट टू प्रेशर इक्वल टू द एटोमिक एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू देयर कॉम्बैटमेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैन, रिमूव द कैन फ्रॉम द हीट एंड सील इट बाय स्क्रबिंग बैग इन कप टाइटली, देन कीप कूल इट बाय रनिंग कोल्ड वाटर ओवर इट, द कैन सडनली कंप्रेस विथ ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द प्रेसिंग बटन, मतलब क्या है कि आप उसको गर्म करिए, ठीक है, और जब वो हवा मतलब जो बास पे वहां से निकलने लगे तब तो आप उसको अच्छे से किसी से पैक कर दीजिए, किसी भी चीज से, ठीक है, और फिर उसको फट से किसी ठंडी चीज में रखिए, पानी में रखिए और उसको फट से ठंडा कीजिए, आप देखेंगे कि जो चीज से आपने कवर किया है वो उसको अच्छे से पकड़ लेती है, ठीक है। दिस ड्यू टू फैक्ट दैट ऑन प्योरिंग वाटर द स्टीम इन साइड द कैन इन द कंसी देयर बाय क्रिएटिंग द पार्शियली वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। तो मतलब ये है कि क्या है कि इस तरह से वो क्या करती है, वैक्यूम जनरेट करती है, खाली जगह जनरेट करती है, खाली जगह बनाती है। द एयर प्रेशर आउटसाइड नाउ मोर देन द एयर प्रेशर इनसाइड द कैन, हियर द कैन क्रम्पल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। इससे क्या साबित होता है कि ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जब हमने जो कैन थी उसको गर्म किया तो वहां पे वो प्रेशर था वो हाई हो गया और वो बाहर चली गई, और जब हमने उसको बंद किया और जो उसको ठंडा किया तब वो उसका जो प्रेशर था वो लो हो गया, ठीक है।
लो हो गया मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उससे वो लो हो गया, ठीक है, तो फिर वो वापस से उसकी तरफ आने लगी, इसकी वजह से क्या होता है वो ढक्कन जो हम लगाते हैं उसमें वो वहां का वहां चिपका रह जाता है, ठीक है। तो ये देखा आज हमने, अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ रेन, ठीक है। कॉजेस ऑफ रेन से पहले पढ़ेंगे हम कॉजेस ऑफ विंड, हाई स्पीड विंड और इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ विंड तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब हमारे जो अर्थ है उसमें जो दो लेवल का प्रेशर है वो डिफरेंस उसमें जनरेट होता है तो उसकी वजह से हवा फ्लो करती है, विंड फ्लो करता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि प्रेशर जनरेट क्यों होता है, ऐसा क्या कारण होता है कि दो जगह का प्रेशर जो है वो अलग अलग डिफरेंस हो जाता है, कहीं दबाव कम होता है कहीं दबाव ज्यादा आता है, उसका क्या रीजन रहता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ विंड, कॉजेज ऑफ विंड नेक्स्ट सेटिंग है हमारी, ठीक है। द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर, मतलब ये द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर, द एयर ओवर द लैंड राइज एंड विंड फ्लोस फ्रॉम ओशियन टूवर्ड्स लैंड, मतलब ये कि जो बार मतलब होता है गर्म होना, जो लैंड है जो हवा जो लैंड मतलब जो जमीन है, ठीक है, वो पानी के ऊपर भी बहती है और जमीन के ऊपर भी बहती है, मतलब सपोज करिए कहीं नदी है उसके ऊपर भी हवा है, कहीं समुद्र है उसके ऊपर भी हवा है, ठीक है, कहीं कुआ है कहीं बावड़ी है कहीं तालाब है उसके ऊपर भी क्या है हवा है, और हमारी जो जमीन है उसके ऊपर भी क्या है हवा है, तो मतलब क्या है कि हवा सब जगह पे है। तो जो लैंड है मतलब जो जमीन है वो क्या करता है, वो पानी की तुलना में ज्यादा जल्दी से गर्म हो जाती है जब सनलाइट उसमें पड़ती है। ये देखिए डायग्राम इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि पानी पर भी वही धूप पड़ती है और जमीन पर भी सेम वही धूप पड़ती है। जब पानी पे धूप पड़ती है और जमीन पे धूप पड़ती है तो उन दोनों में से जमीन जो है वो पहले ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। द एयर ओवर द लैंड राइज एंड विंड फ्लो फ्रॉम ओशियन टूवर्ड्स लैंड, तो इसके वजह से क्या होता है कि जब जो चीज अभी हमने क्या देखा था कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा एक तरह से ऐसा समझिए उस तरह से वो कहां जाएगी, वो कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी, है ना, कुकर के मतलब कुकर के अंदर कहिए या फिर आप हमारा जो बॉइल था इससे पहले हमने जो स्टडी किया था ना कि स्टडी उसमें क्या था उससे वो हवा बाहर भाग रही थी। तो यहां से सेम चीज वही होती है कि जब जमीन ज्यादा जल्दी से तेज गर्म हो जाती है तो वो समुद्र की ओर या ऐसी जगह में भागती है जहां पे प्रेशर कम होता है या फिर जहां पे सूर्य की गर्मी नहीं पड़ रही होती है, ठीक है। द विंड कमिंग फ्रॉम ओशियंस ब्रिंग्स बिग अमाउंट टू वाटर वेपोरेट विथ देम दिस आर कॉल्ड वाटर, और जब वो हवा समुद्र के ऊपर से नदियों के ऊपर से जब निकलती है, ठीक है, तब वो अपनी जो गर्म हवा होती है समुद्र से जो गर्म हवा निकल रही होती है उसको भी साथ में ले लेती है और इस तरह से बनते हैं बादल। द बैड विंड्स फ्रॉम ओशियन कमिंग टूवर्ड्स लैंड आर कॉल्ड मानसून विंड, दे ब्रिंग रेन, और इस तरह की जो हवाएं होती हैं जो उसमें निकलती हैं ओशियन से आती हैं टूवर्ड्स लैंड जमीन की तरफ जो आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं मानसून विंड्स बोलते हैं, ठीक है, मानसूनी हवाएं बोलती हैं, और वो क्या लेके आती हैं रेन मतलब बारिश लेकर आती है। सम दिस हैपन टू प्लेस नियर द सी ड्यूरिंग द डे लाइट्स, दिस आर ए सी ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग नाइट टाइम्स देयर इज लैंड ब्रीज फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। तो ये दोनों डायग्राम्स आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। हमने कुछ आज इंपोर्टेंट वर्ड्स पढ़े जिसका नाम जो पहला था मानसून वर्ड्स विंड्स, ठीक है, हमारा सेकंड था एन
एनीमोमीटर एंड थर्ड था विंडमैन, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, क्या होते हैं विंडमैन, क्या होता है जब वो अब आपको जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उसको विंडमैन बोलते हैं, ठीक है। और एनीमोमीटर क्या होता है, जब हम स्पीड, हवा की जो स्पीड होती है उसको फाइंड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं एनीमोमीटर से फाइंड करते हैं, ठीक है। और थर्ड इज मानसून, मानसून विंड्स क्लाउड्स, मानसून विंड्स क्या होती हैं, जब वो जो हवाएं होती हैं वो बारिश लेके आती हैं उनको बोलते हैं मानसून क्लाउड, मानसून विंड्स बोलते हैं। और क्लाउड्स क्या होते हैं, जो जो हवाएं पानी लेकर जाती हैं उससे वो बादल बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं क्लाउड।